जामताड़ा भले ही छोटा सा जिला हो, लेकिन इस जिला में हुनरमंद युवाओं की कोई कमी नहीं है। जामताड़ा के ही नाला विधानसभा क्षेत्र के धर्मजय हेमरम ने संथाल हुल को लेकर जो एल्बम बनाया था, उस गाने को 30 जून को पीएम मोदी ने मन की बात में प्रस्तुत किया था। इसे लेकर धर्मेंद्र जय बेहद खुश हैं। हालांकि संथाल हुल को लेकर कई एल्बम बने हैं, लेकिन वह लिंक से हटकर है, जबकि धर्मजय द्वारा रचा गया गीत और एल्बम वास्तविक तथ्यों को प्रस्तुत करता है। दरअसल हिदल जोड़ी गांव बेहद ही पिछड़ा गांव है, जहां आने जाने के लिए चारों ओर से रास्ता ही नहीं बना है। इस गांव के इस युवा ने जिस तरह संसाधन न होने के बाद भी एल्बम को बनाया है, वह आज नजीर बन चुका है। हमारे संवाददाता ने युवा गायक से खास बातचीत की, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। बेटा जो गीत गया था वो हम लोग को नहीं जितना जानकारी है, जो मोदी जी के पास ये गान सुनाएगा, तो वो गान हम लोग को सुनकर बहुत हम लोग को खुश में दिल में खुश आया है। जामताड़ा जिला में युवा प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जामताड़ा के ही नाला विधानसभा क्षेत्र के एक युवा ने पीएम मोदी का मन जीता है। मन इसलिए क्योंकि उन्होंने जो संथाल हुल विद्रोह पर जो संथाली में गीत गाया था, जिसका एल्बम बना है, उसे पीएम मोदी ने पसंद किया और उसे बीते 30 जून को अपने मन की बात में कही, जिसे पूरे देश के लोगों ने उस गीत को सुना और देखा भी। लिहाजा नाला के इस बेटे ने जिस तरह जामताड़ा और नाला विधानसभा क्षेत्र का पूरे देश में नाम रोशन किया है, यह बेहद ही काबिले तारीफ है। आइए हम आपको उस शख्स से मिलवा रहे हैं, उस युवा से मिलवा रहे हैं जो गायक ही नहीं बल्कि लेखक भी है और कवि भी है। उस शख्स का नाम धर्मेंद्र हेमरम है, जो बेहद ही पिछड़े क्षेत्र नाला के हिदलजोड़ी गांव का रहने वाला है। आइए हम इनसे जानते हैं जो पीएम मोदी ने इनकी गायकी को मन की बात के माध्यम से पूरे देश के लोगों को सुनाया, इससे इन्हें कैसा महसूस हो रहा है और इन्हें जो ये एल्बम बनाए हैं उसके पीछे किनसे प्रेरणा मिलकर वो एल्बम बनाया था और उसे ये क्या सीख समाज को देना चाहते हैं, तो बताइए। सबसे पहले तो मैं स्टार सिटी 24 न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ और ये न्यूज़ को देखने वाले दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धर्मेंद्र हेमरम और मैं हिदलजोड़ी गांव से आता हूँ, जो नाला प्रखंड के जामताड़ा जिला में आता है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि 30 जून को पीएम मोदी ने मेरे गाया हुआ और रचा हुआ गीत को अपने मन की बात में देशवासियों को सुनाने का जो काम किया है, इससे मैं ही नहीं बल्कि समाज, संताली आर्टिस्ट, कलाकार, लेखक, साहित्यकार सभी खुश है, क्योंकि इस तरह का प्रोग्राम है किसी संताली भाषा को लेकर गया हुआ गीत को प्रमोट करने का किसी ने काम नहीं किया था। इससे पूरे समाज खुश है और आशा करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम में संताली भाषा को लेकर और संताली गाना को प्रमोट करने का मौका मिलेगा और आने वाले समय में हम जैसे युवा कवि, साहित्यकारों, लेखकों और कलाकारों को मौका प्रदान करने का काम करेगा। पीएम मोदी ने जो मन की बात में आपका लिखा हुआ गीत सुनाया है, प्रस्तुत किया है, उसके दो बोल बताइए। सीधा कन्हो होल बोहा मनावे बंती सुन जा दिसमरिया मारंग हुल दो संताल हुल कान संताल हुल दो आंदोड़ लेना इंग्रज कानून भंगड़ लेना जो मैं बचाओ एस पी टी एक लगोई ना
जंगारे पैगन साढ़े कन झम झम हुनको होले न बुझा होले होले जंगारे पैगन साढ़े कन झम झम हुनको होले न बुझा होले होले। आप जो गायक हैं इसके अलावे आपने कई पुस्तकें भी लिखी है, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं बताइए। जी हाँ, पुस्तक तो मैंने एक ही लिखा है और जो 2023 के अंतिम में ये प्रकाशित हुआ है। और इससे पहले मैं कोई पत्रिकाओं में अपने कविता को प्रकाशित कराता रहा हूँ, इसे झारखंड नहीं बल्कि बंगाल उड़ीसा यानी कि जहाँ जहाँ से संताली पत्रों का निकलता था मैंने अपने कविताओं को प्रकाशित कराने का काम किया है। और इससे तो जो झारखंड से प्रभात खबर माय माटी उनको जो निकलता है उसमें भी मेरा कई कविताएं प्रकाशित हुआ है। और जो गूगल में आजकल देखते होंगे आप लोग कि अमर उजला नाम से एक काव्य अंग आता है उसमें भी मेरा हिंदी कविताएं प्रकाशित हुआ है। आपकी जो पहली पुस्तक प्रकाशित हुई है क्या नाम है और यह किस भाषा में प्रकाशित किया गया? यह मेरा पहली पुस्तक है और यह संताली भाषा के कविता संग्रह है। इसका नाम जो है दुलरिया मेहता। यह दुलरिया मेहता इसमें अपने द्वारा लिखा हुआ रचा हुआ रचना है जो इसमें कुल 51 कविताएं हैं। और यह 51 कविताएं को सजा के मैंने दुलरिया मेहता का किताब बनाया है। आप जो पुस्तकें लिखे हैं मिलन हुआ अपने अभी तक कौन कौन सा एल्बम बनाया है? ऐसे तो एल्बम तो हम लोग नहीं बना पाए हैं, एक ही एल्बम था जो रिलीज हुआ है जो फूल दिवस के नाम पर है, ये सामाजिक वाला। और इसके अलावे? इसके अलावे रोमांटिक वाला भी है। क्या नाम? जो मैंने सिर्फ मैंने लिखा था, लिरिक दिया था, कोई दूसरा आर्टिस्ट है, दूसरा सिंगर है। गीत के बोल क्या? यह गीत है बाइक के पाचे जलालंग की रिंजरे बाइक के पाचे, यह नाला से ही रिले जवाब नाला के दोस्त ही लिया था। इसके अलावा बंगला भी गाना है मेरा। कौन सा गाना है? वो है हम के दिए चले पथा सिंगर सजा भी माथा बोलिए हम के छड़े चले गए तो इनको तो टच सौ पहले। ये आपका रिलीज हुआ है ये? हाँ रिलीज हुआ है, भी अच्छा चला है। तो आगे की क्या योजना है? देखिए आगे की सोच तो बहुत है, मैंने कल्पना आज जो मैं एक किताब का लेखक बनूंगा ये भी कल्पना नहीं था, लेकिन अवसर बस मुझे मौका मिला और अपने किताब को प्रकाशित करने में सफलता मिली। लेकिन ये सपना नहीं था कि मैं एक किताब का लेखक बनूंगा। सपना इसलिए नहीं रखते हैं कि उतना संसाधन ही नहीं है कि मैं अपना सपना को पूरा कर सकूँ। मैं बस चलता गया रहे चलता गया और राहे में चुपचराहे में हमको साथी से मिला हुआ क्या बोलते हैं मिलन हुआ और उस साथी ने आगे आगे मतलब क्या बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप हमको ले जाने का काम किया है। मैं उसको धन्यवाद देना चाहूँगा। और भी जो गीत के बोल आपने लिखे हैं क्या एल्बम के लिए? हाँ ऐसे तो रोमांटिक वाला बहुत सारा गाना है लिखा हुआ है, लेकिन वह एल्बम का रूप दिया गया? एल्बम का रूप दिया गया नहीं है। क्या दिक्कत है उसमें? दिक्कत तो यह है कि हम लोग के संताली समाज बहुत पिछड़ा हुआ है मतलब ना साधन है ना संसाधन है। और आप तो जानते ही होंगे सामाजिक भी पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं। मैंने और भी बहुत सारा आपने गीत के बोल लिखे हैं लेकिन उसे एल्बम का रूप नहीं दे पा रहे जिसके पीछे आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। सबसे मेन बात होता है आर्थिक स्थिति और आर्थिक रूप से कमजोर होने के नाते कौन कौन से गीत लिखे हैं आपने अभी तक? और भी रोमांटिक वाला है वैसे एक दो लाइन बताइए। है
एक ठो है सामाजिक वाला है जो अकाल जो तीन चार साल से आ रहा है, मतलब नाम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बार भी देखिए खेती बाड़ी नहीं हुआ है। एक ठो राहला रमिल नाम से एक ठो गीत है जो शायद इस साल रिलीज होंगे, वो जो है ए रमिल राहला रमिल मासे दाग में अकाल अकाल धरती रमिल अकाल का तालम। आप युवा गायकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो यह देना चाहता हूँ कि हम जैसे युवाओं को अगर कोई आगे ले जाने का प्रयास करे तो बेहद ही अच्छा होगा, लेकिन हम जैसे युवाओं को कोई आगे ले जाने का योजना ही नहीं है कि हम लोग आगे बढ़ सके। तो मैं युवाओं को क्या संदेश देंगे, जब हम ही खुद मायूस है तो मैं युवाओं को क्या संदेश देंगे, क्योंकि मेरा अवस्था ही देखिए। तो ये थे धर्मेंद्र हेमब्रम जी, इनका कहना है जो प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है लेकिन सहयोग भी जरूरी है। ये लोग इतने संपन्न भी नहीं है जो आने वाले समय में और भी जो इनका गीत है उसे एल्बम का आकार दे सके। हालांकि नाला जैसे पिछड़े इलाके के इसी युवा ने जिस तरह अपनी गायकी का लोहा मनवाया है, पीएम मोदी ने अपने मन की बात रखी है, यह बेहद ही गौरव का क्षण था और यह बेहद ही खुशी की भी बात है। खैर अब देखना बाकी होगा जो धर्मेंद्र जैसे युवाओं को कब सरकार या कोई समाज से भी प्रोत्साहित करता है और आगे इसकी एल्बम में कहाँ तक रिलीज हो पाती है और कहाँ तक नाम कमा पाती है। स्टार सिटी न्यूज़ के लिए जामताड़ा से गौतम मंडल।